हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IIT एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स एट IIT खड़गपुर। यदि आप MSc में एडमिशन ले रहे हैं IIT खड़गपुर में, तो हम बात करेंगे कि आपको यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, और बात करेंगे जैसे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, मैस फूड के बारे में बात करेंगे, फैकल्टीज के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि जिम खाना है, और टेक मार्केट जो कि मार्केट है उसके ऊपर बात करेंगे, और रेस्टोरेंट के ऊपर बात करेंगे, और बैंक, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि IIT खड़गपुर के सबसे नियर कौन सा स्टेशन है, तो यहाँ पर सबसे नियर जो स्टेशन है वो है हिजली स्टेशन, और फिर एक और दूसरा स्टेशन है जो कि है खड़गपुर है, तो वहाँ से इसकी काफ़ी दूरी रह जाती है, और हिजली जो स्टेशन है वो बिल्कुल पास में है। तो जैसे ही आप हिजली स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो आपको टैक्सी मिल जाती है या फिर कैब बुक करना होता है, और टैक्सी या कैब का जो किराया रहता है वो रहता है 150 पर कैब का किराया रहता है। उसके अंदर आप 4 स्टूडेंट आ सकते हैं, या फिर 3 स्टूडेंट आ सकते हैं, या फिर आप सिंगल स्टूडेंट भी रेंट पर ले सकते हैं, तो उनका जो किराया रहता है वो 150 रहता है। और जैसे कि हम बात करेंगे कि आप जैसे ही इंटर करते हो, तो अलग अलग प्रकार के अपने हॉस्टल हैं, मैं हॉस्टल के ऊपर भी बात करूंगा आपसे कि कौन कौन से हॉस्टल्स हैं। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के। जैसे कि आप अगर हॉस्टल से क्लासरूम तक जाते हैं, तो आपको एक बस की फैसिलिटी मिलती है, जो कि बस क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आती है यहाँ पर, और क्लास स्टार्ट होने के जस्ट 7 या 8 मिनट के बाद बस वहाँ से वापस रवाना हो जाती है। और उसके साथ ही अगर आप क्लास के अंदर जाते हैं, तो पर्टिकुलर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इसके लिए आपको एक साइकिल लेनी पड़ती है, जो कि सभी यहाँ पर बाय करते हैं। अब साइकिल्स जो है वो आपको यहाँ पर एक मार्केट लगता है, जब आप नया नया एडमिशन लेते हैं, तो उस समय आपको साइकिल्स की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ। और अगर आप पुरानी साइकिल बाय करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत सारे जो कि डीलर हैं, और सभी हॉस्टल्स जो हैं उसके अंदर एक या दो साइकिल्स रिपेयरिंग करने वाले होते हैं, जो कि आपकी साइकिल को बार बार रिपेयर करते हैं। कहीं भी अगर आप बार बार आते जाते हो, तो उनमें रिपेयरिंग करनी होती है, तो वो वहाँ पर ठीक करके देते हैं, उनका कोई पैसा चार्ज नहीं लगता। और बात करेंगे जैसे कि क्लासरूम में अगर आप जाते हो, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो सभी साइकिल्स लेके जाते हैं वहाँ क्लासरूम तक। उसके अलावा यहाँ पर रिक्शा भी चलता है। तो ये रही ट्रांसपोर्ट की बात। और बात करेंगे जैसे कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास जो मार्केट है वो पास में एक गोल बाज़ार लगता है, तो गोल बाज़ार जाने के लिए भी यहाँ से एक बस की फैसिलिटी हमें मिलती है, जो कि उनका एक फ़िक्स टाइम रहता है, उसी फ़िक्स टाइम के हिसाब से ही वो शाम को या मॉर्निंग में या इवनिंग में, जैसे भी उनका टाइम रहता है वैसे वो जाती है। और हमारे जो नियर है वो एक मैदनापुर स्टेशन लगता है, मैदनापुर जो कि मैदनापुर बस स्टैंड लगता है, वहाँ पर भी हमारी बस की फैसिलिटी जो है वो फ्री जाती है। IIT खड़गपुर में एक मार्केट भी है, जिसे हम टेकम या फिर टेक मार्केट बोलते हैं, और उसमें आपकी ज़रूरत का सभी सामान मिल जाता है, जैसे कि फल फ्रूट अगर आपको लेने हैं, सब्जियाँ लेनी है, बुक्स लेनी है, और ओल्ड बुक आपको लेनी है, न्यू बुक आपको खरीदनी है, तो उस प्रकार की सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान की भी काफ़ी दुकानें हैं वहाँ पर, और जो कि अगर आप क्लॉथ वगैरह लेना चाहते हैं, जूते वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उनकी फैसिलिटी भी यहाँ अच्छी है। और प्रत्येक हॉल के अंदर भी आपको खाने पीने की जितनी भी वस्तुएँ होती हैं वो आपको प्रत्येक हॉल के अंदर भी मिल जाती है। और जैसे कि टेक मार्केट में हमें मेडिसिन की दुकान भी मिलती है, और फोटोशॉप की दुकान भी मिलती है, फोटोकॉपीज की दुकान मिलती है सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक लार्ज जो मार्केट है वो एक गोल बाज़ार है, जो कि IIT खड़गपुर से 5 किलोमीटर है, और वहाँ पर आप साइकिल के द्वारा भी जा सकते हैं, और आप अगर कैब के थ्रू जाना चाहते हैं तो वैसे भी आप जा सकते हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बेड मिल जाता है, लेकिन बेड के ऊपर लगाने के लिए जो गद्दा होता है वो आपको लेना पड़ता है। और जैसे कि पास में ही, जैसे ही आप अपने हॉस्टल से बाहर निकलोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें उस टाइम लग जाती है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, और आप टेक मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं, और गोल बाज़ार से भी आप जाके खरीद सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सभी अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। यदि हम बैंक की बात करें, तो हमारे यहाँ पर 3 बैंक हैं, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों ही बैंक ऐसी है जो कि स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, और आपके पास अगर मतलब स्टडी करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आपको जो लोन है वो आपको डिग्री के हिसाब से मिलता है, जैसे कि आप अगर MSc करना चाहते हैं, तो MSc की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 45,000 रहती है, तो आपको जो है 45,000 रुपये जो
किसी भी आप बैंक से जहाँ पर आप लोन अप्लाई करते हैं वहाँ से आपको मिल जाता है, जो कि पर सेमेस्टर आपको मिलता है। और आपको जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जमा करवाना होता है वहाँ पर, तो ये फैसिलिटी यहाँ लोन के द्वारा, लोन के लिए फैसिलिटी आपको मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट के बारे में, तो सहारा, ड्रीमलैंड, सुपर डुपर, वेजेस, टिक्का, बिल्लो रेस्टोरेंट, काफ़ी कॉफ़ी की दुकानें हैं, या फिर चाय वगैरह की दुकानें बोल सकते हो आप, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर। ऑफिस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जैसे कि अगर आपका कोई पोस्ट आना है तो आप यहाँ से कैंपस के अंदर ही वो आपको रूम तक पहुँचा देता है। और स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर जितने भी हॉल हैं उनसे जो हॉस्पिटल की दूरी है वो बिल्कुल कम है, और कॉल करते ही एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाती है और एम्बुलेंस आपको वहाँ पर ले जाती है। और उसके साथ ही अगर आपका अगर ट्रीटमेंट वहाँ पर रहने से होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो पास का नियर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी फैसिलिटी मिलती है। और आपका जितना भी खर्चा हॉस्पिटल के अंदर लगता है, आपको एक फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा मेडिकल का जो क्लेम है वो 15 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। जिम खाना जो है वो स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए और सोशल एक्टिविटी के लिए है, वो स्विमिंग पूल है, जिम है, और म्यूजिकल सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, लाइब्रेरी। जैसे कि हम बात करेंगे IIT खड़गपुर की, जो लाइब्रेरी है वो एशिया की एक लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, जो कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ओपन होती है एंड 12 बजे जो है रात को क्लोज होती है। और उसके अंदर आपको सभी प्रकार की बुक्स मिल सकती हैं, और आप IIT KGP लाइब्रेरी की साइट पे जाके आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर आपको पढ़ने का तो माहौल मिलता ही है, उसके साथ ही यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब भी है, और कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी, अगर आपके पास जैसे कि आपका नया एडमिशन है और आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर भी उसका यूज ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो IIT खड़गपुर के अंदर जो कैंपस में है, जो जितने भी हॉल हैं उनके अंदर सभी में कैंपस वाईफाई है, और आप उनका एनी टाइम यूज में ले सकते हो। और जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ भी एनी टाइम आपको फुल नेटवर्क मिलता है, और आप क्लासरूम में रहते हैं तो वहाँ भी आपको नेटवर्क की सुविधा फुल मिलती है। IIT खड़गपुर में आपको मूवीज देखने की फैसिलिटी मिलती है, जो कि टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी के द्वारा होती है, और यहाँ पर आप जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को आप मूवी देख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद आपकी कोई भी क्लासेज नहीं होती, सैटरडे और संडे के आपकी जो क्लासेज हैं वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती है, और फ्राइडे जो होता है आप फ्राइडे की इवनिंग के बाद में मूवी देखने आप जा सकते हो। जैसे कि हमारी जो मूवी है वो 7 से लेकर 9 बजे तक लगती है, या फिर 8 से लेकर 10 बजे तक लगती है। और उसके अलावा सेकेंड डे की बात करूँ, सैटरडे के दिन जो मूवी है वो दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक या 5 बजे तक रहती है, और उस दिन शाम को भी लगती है, तो सभी जो स्टूडेंट हैं जो कि फ्री रहते हैं वो मूवी देखने जा सकते हैं। बात करेंगे हॉल के ऊपर, तो हमारे पास IIT खड़गपुर में टोटल 21 हॉल हैं, और जिसके अंदर पहला है आज़ाद हॉल, BC हॉल ऑफ रेजिडेंस, और फिर है BR अम्बेडकर हॉल, फिर है LBS हॉल, फिर है गोखले हॉल, और HJB हॉल, जगदीश चंद्र हॉल, नेहरू हॉल, फिर लाला लाजपत राय हॉल, मदन मोहन मालवीय हॉल, एंड मदर टेरेसा, निवेदिता, मेघना सह, पटेल हॉल, राधा किशन हॉल, रानी लक्ष्मीबाई हॉल, राजेंद्र प्रसाद हॉल, सेम हॉल, एंड सरोजनी नायडू हॉल, विद्यासागर हॉल। बात करेंगे जैसे गेस्ट हाउस के बारे में, तो गेस्ट हाउस में अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो गेस्ट हाउस भी यहाँ पर 3 जो है IIT खड़गपुर में गेस्ट हाउस हैं। उसके अंदर पहला जो है वो टेक्नोलॉजी गेस्ट हाउस है, एंड सेकेंड जो है वो विश्वेश्वराय गेस्ट हाउस है, एंड थर्ड जो है वो VSRC गेस्ट हाउस है। बात करेंगे क्लासरूम के ऊपर, तो क्लासरूम के अंदर हमारे बहुत ही बड़ा एक क्लासरूम होता है, और उसके अंदर हमारे पास AC रहती है और प्रोजेक्टर रहता है। जैसे कि IIT खड़गपुर में जब एग्जाम टाइम होता है तो जो लाइब्रेरी है वो 24 आवर्स के लिए ओपन होती है, 7 डे के लिए, और आप देखेंगे कि उसके अंदर जो बैठने के लिए आपको पैलेस भी नहीं मिलेगा, इतना मतलब फुल हो जाता है वो लाइब्रेरी। बात करेंगे फैकल्टीज़ के बारे में, तो फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी है IIT खड़गपुर की, और जैसे कि आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश है तब तो ठीक है, अगर आप हिंदी से बिलोंग
आपको अगर हिंदी आती है तो भी कम्युनिकेशन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारा जो सी लैंग्वेज की क्लास लगती है, और डिपार्टमेंट के अंदर पवन कुमार जो सर हैं, प्रोफेसर पवन कुमार, जिसका आपने काफ़ी बार यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, तो वो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक अपने डिपार्टमेंट के रूम के अंदर, और आप उनसे कभी भी रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं कोडिंग से रिलेटेड, और वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आपको कोडिंग नहीं आती, IIT खड़गपुर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उनसे स्टार्टिंग में आने के बाद उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको अलग से टाइम देते हैं। और जैसे कि उनका टाइमिंग रहता है 4 बजे, आपकी जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप जब चाहो उनसे मिल सकते हैं, और वो आपको बता देंगे कि आपको कब आना है। उसके बाद में उनकी लैब रहती है, वो आपको लैब में भी सिखाएंगे और क्लास में आपको स्पेशल क्लास भी देंगे। और जैसे कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट जाते हैं, तो उनके बाद जैसे ही आप अपने दोस्तों को बताते हैं, तो ऐसे करते करते ग्रुप बन जाता है, और आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जैसे 25 स्टूडेंट हैं, उनमें से 10 या 15 या 20 स्टूडेंट उनके पास जाने लगते हैं, और वैसे ही फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी उनके पास जाते हैं, और जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट से भी उनके पास जाने लगते हैं, तो बच्चे काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं उनके पास, और ऐसे मिला के उनके पास 50 के अराउंड स्टूडेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन्ग जंप एंड एथलेटिक। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो आप स्पोर्ट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया है जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और MSc वाले स्टूडेंट भी इसमें काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं, और जो कि इंट्राइटी या फिर हॉल के लिए खेलते हैं। उसके अलावा IIT खड़गपुर में एक जिम खाना है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, और सभी हॉल के अंदर जिम की सुविधा रहती है, जो कि शाम को 4 बजे खुलता है और रात को 8 बजे तक रहता है, आप किसी भी हॉल में हो। और उसके अलावा अगर आप पे कर, ये तो फ्री रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पे करके जाना चाहते हैं तो जो जिम खाना है वहाँ पर आपको 500 रुपये लगता है 6 मंथ के लिए, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए कोच रहेगा और जो कि आपको पूरी टिप्स बताएगा जिम करने के लिए। बात करेंगे नेहरू म्यूजियम की, तो नेहरू म्यूजियम के अंदर आपको क्या है कि जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या फिर फिजिक्स से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो आप इन सब से आपको वहाँ पर हर चीज़ सीखने को मिलेगी, और आप इंस्ट्रूमेंट को देख पाएंगे कैसे ये वर्क करते हैं। और जैसे कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो वहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। स्विमिंग पूल, तो उसकी जो फीस रहती है वो 500 रुपये रहती है, अगर आप आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको 500 रुपये सबमिट करवाने होते हैं, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, और उसका अलग अलग स्लॉट रहता है, उस स्लॉट वाइज आपको जाना होता है वहाँ पर। और जैसे कि बिल्कुल पास में हमारे रेस्टोरेंट रहते हैं, जो कि CCD है और सहारा रेस्टोरेंट है, स्मार्ट पिंड है, तो वहाँ पर आप रात को जो है ये ओपन रहते हैं 12 बजे तक, तो आप कभी भी जाकर वहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आप कभी भी आप कर सकते हैं। बात करेंगे मेस फूड के बारे में, तो मेस फूड जो है वो IIT खड़गपुर का टोटल मिला के ठीक ठाक है, और जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और लंच के लिए ऐसे ही है, वेज के लिए अलग रहता है काउंटर और नॉन वेज के लिए अलग रहता है, और वैसे ही अगर आप डिनर करने के लिए जाते हैं तो वही है, और उसके बाद में एक स्पेशल भी रहता है यहाँ पर, जो कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद रहता है, तो कुल मिला के खाना ठीक है यहाँ का। फाइनली हम बात करें कि IIT खड़गपुर जो है वो MSc मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर प्लेसमेंट अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करता है तो प्लेसमेंट भी हो जाता है, अगर उसको PhD करनी है तो PhD के अकॉर्डिंग अगर कोई तैयारी करता है तो उसका PhD में भी एडमिशन हो जाता है, और कुल मिला के जो फैकल्टीज हैं वो भी अच्छी है, और मेस की मैंने आपको बता दिया है, मेस फूड भी अच्छा है। और बात करेंगे कमरे के बारे में, तो जो आपको जो रहने के लिए जो रूम मिलता है उसके अंदर एक रूम में 3 स्टूडेंट रहते हैं, और जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक रूम के अंदर 3 स्टूडेंट रहते हैं, और उनके लिए क्या क्या रूम के अंदर उनको मिलता है वो भी आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर, और ज़्यादा रहने की प्रॉब्लम नहीं आती, एक एक रूम के अंदर 3 स्टूडेंट अच्छे से रह सकते हैं, और उनसे उनमें कम्युनिकेशन भी ठीक बनता है। और जैसे कि प्रत्येक हॉल के अंदर आपको जो स्पोर्ट्स की सुविधा है वो भी मिलती है, जो कि आप प्रत्येक हॉल के अंदर 4 या 5 जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर भी आपको क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, तो सभी प्रकार की आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि कैरम बोर्ड आपको खेलना है तो वो भी मिलता है आपको, और स्विमिंग पूल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और जैसे कि स्टूडेंट अगर हम डेली रूटीन की बात करें IIT खड़गपुर में, तो IIT खड़गपुर में जो क्लासेज हैं
वो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे लगती है, और जैसे कि यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि 7:30 बजे उठते हैं या फिर 7 बजे उठते हैं, उसके बाद में डेली रूटीन में जो करते हैं वो करते हैं, उसके बाद में वो खाना खाने जाते हैं मेस के अंदर, जो कि 7:45 तक वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में अपनी साइकिल लेके वो चले जाते हैं, या फिर बस से किसी को जाना है तो 7:40 पे बस आती है जो कि सभी हॉल के बाहर ही आती है। लगातार यहाँ पर 4 बसेज रहती हैं, उस बस के अंदर भी आप अगर डिपार्टमेंट में जाना चाहो तो डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। वैसे बेसिकली सभी स्टूडेंट लेट हो जाते हैं, 7:50 पर जाते हैं, कोई 7:55 पर, 7:55 पर यहाँ से रूम से चलते हैं, तो इस प्रकार से वो लेट पहुँचते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लासेज के बारे में, तो क्लासेज जो है वो मॉर्निंग में ऐसा होता है कि 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 8 से 9 तक फर्स्ट क्लास रहती है, उसके बाद में या तो सेकेंड क्लास 9 से 10 रहती है, या फिर उसके बीच में इंटरवल रहता है। और सेकेंड जो क्लास थी हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की, मैं अगर बताऊँ तो सेकेंड क्लास थी वो 10 से 12 बजे तक दूसरी क्लास थी हमारी, और फिर उसके बाद में 12 बजे से हमारी इंटरवल रहता था, और उसके बाद में जो हमारी क्लासेस थी वो फिर मेस स्टार्ट हो जाता है, 12 से लेकर 2 बजे तक मेस का टाइम रहता है, तो वहाँ पर हम खाना खाते थे। उसके बाद में 2 बजे से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास चलती थी, जो कि सी लैंग्वेज की क्लास 2 से 3 बजे तक चलती थी, और उसके बाद में हमारी 4 से 5 बजे तक जो क्लास थी वो अदर सब्जेक्ट की, एक और लीनियर अलजेब्रा की हमारी बेसिक क्लास चलती थी। तो इस प्रकार से डेली रूटीन जो रहता है वो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट होकर 5 बजे तक कभी भी आपकी क्लासेज रह सकती है। उसके बीच में जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 5 क्लासेज रहती हैं, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी 5 क्लासेज रहती हैं, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 4 4 क्लासेज आपकी रहती है, उसके बाद में आपको उसके साथ ही आपको प्रोजेक्ट करना होता है और वाइवा करना होता है। और ये रही क्लासेज की बात, उसके बाद में शाम को जैसे स्नैक्स मिलता है, तो स्नैक्स में स्नैक्स करने के बाद या तो किसी की क्लासेज रहती है, किसी की क्लासेज जो है 5 बजे से 8 बजे के बीच में भी रह सकती हैं, और उस प्रकार से वो क्लासेज करते हैं। और जैसे कि जो टीचर ने असाइनमेंट वगैरह दिया है या जो भी काम करने के लिए दिया है वो हम क्लासेज से आने के बाद कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और आप ये बताएं कि मुझे अगली बार वीडियो किसके ऊपर बनाना है ताकि मैं जल्द ही उसको अपलोड करूँ। और साथ में ही यहाँ पर हॉल डे भी होता है। हॉल डे का मतलब क्या होता है कि सभी जो हॉल हैं, जितने भी हॉल हैं यहाँ पर 20 21 जो हॉल हैं, उनका एक सेलिब्रेशन होता है हॉल का, और उसके अंदर क्या होता है आपको इनवाइट करना होता है अपने फ्रेंड्स को। जैसे कि अगर आपके जो क्लासमेट्स हैं जो कि दूसरे हॉल से हैं वो भी आपके वाले हॉल में आएंगे, और उनका जब हॉल डे होता है तो आप उनके हॉल में जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी गर्ल्स हैं वो आपके हॉल में आती है और आप उनके हॉल में जाते हो, तो आप उनके हॉल को भी देख सकते हो और उनके रूम्स वगैरह को भी देख सकते हो, तो ये होता है। और बात करेंगे फेस्टिवल के बारे में, तो यहाँ पर दीपावली और होली जो है वो एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है। और दीपावली के अंदर क्या रहता है कि जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं उनको रंगोली बनाई जाती है उनके द्वारा, और रंगोली जो है वो आसपास के लोग देखने के लिए आते हैं, जो IIT से बाहर के जो कैंपस के लोग होते हैं वो भी रंगोली देखने के लिए आते हैं। और रंगोली इतनी अच्छी रहती है कि आप भी देखोगे पहली बार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ में। तो सभी हॉल के लिए पार्टिसिपेट होता है, और जो हॉल जीतता है उसको अलग अलग प्रकार के जो प्राइज होते हैं वो मिलते हैं। तो होली जो है वो भी फेस्टिवल बहुत अच्छा है यहाँ का, जो कि मैंने देखा है यहाँ से।